गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन योर बायोलॉजी क्लास। बेटे, हमने प्लांट टिश्यूज़ तक कर लिया था स्टडी। टिश्यू चैप्टर हम कर रहे हैं और आज हम एनिमल टिश्यूज़ का पार्ट वन करेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ का पार्ट वन करेंगे स्टडी। जिस तरह से हमने प्लांट टिश्यू स्टडी किए थे, उसी तरह से अब हमारे पास एनिमल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू जो है, जनरली बेटा हमारे पास फोर तरह के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू। ये फ्लो चार्ट जो है, ये आपने अपनी कॉपी पे भी ड्रॉ करना है, नोटबुक पे भी ड्रॉ करना है। एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये कवरिंग टिश्यू होता है। अगर मैं इसका इस फ्लो चार्ट में सिर्फ आउटलाइन बताऊंगी कि एपिथेलियल टिश्यू बहुत तरह के होते हैं, स्क्यूमस हो गया, क्यूबॉइडल डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द टिश्यू विच कनेक्ट वन बॉडी पार्ट विद द एनदर। इसमें एरियोलर टिश्यू आएगा, एडिपोज टिश्यू आएगा, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड एंड लिम्फ। ये सारे आपके पास कनेक्टिव टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स हैं। मस्कुलर टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू होता है द टिश्यू विच इज़ कनेक्टेड विद द मसल्स और बॉडी मूवमेंट। इसमें हमारे पास तीन तरह के बॉडी मसल्स आएंगे, स्ट्राइएटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू डील्स विद द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द CNS फॉर इंटरप्रटेशन। इट रिस्पॉन्ड द स्टूमलाई, स्टूमलस को रिस्पॉन्स करता है ये सिस्टम। इसके अंदर न्यूरोन्स आएंगे, न्यूरोग्लिया एंड एपिनाइमल सेल्स। तो ये एक आउटलाइन है आपके पास इनकी। अब हम पहला टिश्यू करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू जनरली सारे ही ऑर्गन ऑफ द बॉडी को एक्सटर्नली कवर करता है, हॉलो ऑर्गन्स को इंटरनली लाइन करता है। इसका काम होता है जनरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन, माउथ, बक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनल, किडनी एट्सेट्रा में प्रेजेंट होता है। इस टिश्यूज़ में अगर हम देखें तो सेल एक या एक से ज़्यादा लेयर में अरेंज्ड होते हैं कॉम्पैक्टली। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इन सेल्स के बीच में नहीं होता और ये नॉन वेस्कुलर सेल होते हैं, मीन्स इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। इन सेल की पावर ऑफ डिवीज़न होती है, रीजनरेशन की भी होती है थ्रू आउट द लाइफ। और लोअर मोस्ट लेयर के जो सेल हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं। जनरली ये टिश्यू प्रोटेक्टिव और कवरिंग फंक्शन करता है। इसके टाइप्स में पहला आता है स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। ये जो स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये टिश्यू, इस टिश्यू के सेल फ्लैट होंगे, पॉलीगोनल होंगे और थिन नेस्ट होंगे, जैसे टाइल्स होती हैं फ्लोर के ऊपर। ये जनरली एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, बाउमेंस कैप्स्यूल इन द किडनी, वहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम करता है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है बॉडी सेल और ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज में भी होता है। सेकेंड टाइप होती है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इसके सेल क्यूब शेप के होते हैं, ये रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है। इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए होंगे और ये किडनी ट्यूब्यूल में पाया जाता है, माइक्रोविलाई में फॉर री अब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल।
फिर आपके पास है नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर, जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है इसके सेल लॉन्ग पिलर लाइक होंगे। जनरली ये फीमेल में फेलोपियन ट्यूब्स में, जिनको हम ओविडक्ट कहते हैं, उनमें पाया जाएगा। हेयर लाइक सीलिया इसके ऊपर होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ ओवम और जाइगोट में हेल्प करते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ये माइक्रोविलाई में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें ग्लैंडुलर और सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज आएंगे। ये ग्लैंडुलर और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज, जो ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम है इसमें सेल तो पिलर लाइक होंगे, लेकिन इनमें और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम गॉबलेट सेल्स के नाम से जानते हैं। ये म्यूकस सिक्रेट करती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक में फूड को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करती हैं। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है ये। दूसरा होता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है हमारे पास, इसमें फाइन हेयर लाइक सीलिया लगे होते हैं सेल्स के फ्री सरफेस के ऊपर। जनरली ये ट्रैकिया यानी विंड पाइप और ब्रोंकाई में पाया जाता है एंड एक्सपेल एनी डस्ट और फूड पॉल्यूटेंट पार्टिकल आउट ऑफ एयर पैसेज अगर चला जाए कोई। फेलोपियन ट्यूब्स में भी होता है जो हेल्प करता है ओवम और जाइगोट को मूव करने में। ये सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू हमारा ओवर हो जाता है। अब हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होगा, कॉमनली इसमें मसल फाइबर्स होते हैं, जो इनमें दो पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज होती हैं मसल्स की, एक एक्साइटेबिलिटी और एक कंडक्टिविटी। जो मसल सेल्स होते हैं इलॉन्गेटेड होते हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल एंड लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीनेशियस थ्रेड्स होते हैं इनमें, एंड जो जनरल फंक्शन होता है मस्कुलर टिश्यू का वो मूवमेंट और लोकोमोशन होता है। जनरली थ्री टाइप्स के मसल्स होते हैं, स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड या स्मूथ और कार्डियक। ये थ्री टाइप्स के मसल्स टिश्यूज हमारे पास होते हैं। सबसे पहला आपके पास है स्ट्राइएटेड मसल टिश्यू। इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें इस तरह के डार्क और लाइट कलर के बैंड्स होते हैं, तो अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स आर देयर। तो ऐसे लगता है कि इसमें स्ट्रिप्स बनी हुई हैं स्ट्रक्चर, अगर इसका आउटर सरफेस देखें स्ट्राइएशंस बनी हुई हैं, तो हम इसको कहते हैं ये स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स हैं। इसके बाद ये जो मसल हैं ये जनरली सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। इनकी जो स्पेशल कवरिंग है उसको सार्कोलिमा कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं इनके सेल के अंदर। अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड की प्रेजेंस की वजह से इनको हम स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स कहते हैं। इनको वॉलेंट्री मसल फाइबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि दे वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ एनिमल्स, दैट्स वाई दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल फाइबर्स। वॉलेंट्री का मतलब होता है हमारी इच्छा के अनुसार जब वो काम करें। तो ये स्केल्टल मसल्स भी हैं, इनको स्केल्टल मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के स्केल्टन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारे पास स्मूथ मसल फाइबर्स, जो सेकेंड टाइप है, इसको हम नॉन स्ट्राइएटेड भी कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स में डार्क और अल्टरनेट बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। ये जनरली विसरल ऑर्गन जैसे स्टमक, किडनी की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम विसरल मसल्स के नाम से भी जानते हैं।
फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सेल जनरली लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। ये स्पिंडल शेप के सेल होंगे, यूनि न्यूक्लियट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होगा एक सेल के अंदर और हमारी विल के अंडर नहीं है, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। लाइट और डार्क बैंड नहीं है, दैट्स वाई अनस्ट्राइएटेड और अनस्ट्राइब्ड मसल्स भी कहलाते हैं। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर इनका देखा जाए तो मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्लोली, लेकिन लॉन्ग पीरियड तक नॉन फटीग्ड मसल्स हैं, ये लॉन्ग पीरियड तक कॉन्ट्रैक्ट करे रहते हैं। फिर हमारे पास आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जैसे इनका नाम ही, ये इसका स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर भी आपने ड्रॉ करने हैं और इनके डिफरेंस भी लिखना है। कार्डियक मसल फाइबर जो हमारे पास हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये हार्ट वॉल में, और ये स्मूथ मसल फाइबर की तरह ही हैं, यूनि न्यूक्लिएट इनवॉलेंट्री, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। इनकी पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनके एंड फ्लैट होते हैं, जिग जैग होते हैं इंटरकलेटेड डिस्क के साथ, और ये रैपिड और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। ये ऐसे मसल्स हैं जो कभी भी फटीग नहीं होते, थकते नहीं हैं। दे हेल्प इन पंपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास तीन तरह के मस्कुलर टिश्यूज़ हो गए, आपने इनकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ओके, कनेक्टिव और न्यूरल टिश्यू को हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।